अरे भाई, फोन आया था उधर से, खाना आने का कह रहे हैं, तो क्या टाइम दूं उन्हें? उनको रात डिनर पे बुला लीजिए ना। आप भी ऑफिस से आ जाएंगे, एमएल भी आ जाएगी और एनी भी यूनिवर्सिटी से आ जाएगी, सब साथ बैठ के खाना खा लेंगे। चलो ठीक है, खाना खा लूं फिर उन्हें कॉल करता हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर इतनी जल्दी क्यों है। अरे बेटा, बात यह है कि ईमेल का रिश्ता हो जाएगा तो उसके बाद तुम्हारा भी हम रिश्ता कहीं कर देंगे। वैसे भी तुम तंग बहुत करती हो। इनकार कर दी उनको। क्यों, क्या बात है भाई, मार क्यों रही हो? तुम्हारा ही तो मुकदमा लड़ रही हूं मैं। बेटा, मुझे ऐसे क्यों लगता है कि तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं। आपको तो पता है ना, इसको आदत है मजाक करने की। अब मजाक करिए, आप खाना खाएं। मजाक नहीं करी मैं, और ना ही तुम्हारी जिंदगी एक मजाक है। बाबा, इमल किसी लड़के को पसंद करती है और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, और वो लड़का एक बहुत अच्छी फैमिली से, पढ़ा लिखा, सुलझा हुआ है। शादी करना चाहते हैं दोनों। बेटा, वो से चाहिए था कि अपनी फैमिली को लेकर हमारी तरफ आता। आएंगे, वो जरूर आएंगे और बहुत जल्द आएंगे। कब आएगा? अब तक तो उसे रिश्ता लेकर आना चाहिए था। तो इसका मतलब है कि आप राजी हैं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? पता नहीं कौन लड़का है, कैसा खानदान है, उसके क्या इरादे हैं, हमें क्या मालूम। बहुत अच्छा खानदान है, और इस बात की गारंटी मैं देती हूँ, बाबा सच में वो बहुत अच्छा इंसान है। चलो बेटा, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, उन्हें कहो कि आके मिले हमसे। वैसे भी मुझे अपनी बेटियों की खुशी से ज्यादा कोई चीज अजीज नहीं है। अरे बाबा, आप तो बेस्ट बाबा हैं, इसलिए ये सैलेड आपका हुआ। थैंक यू बेटा। बेटा, एक चीज का मलाल है मुझे, वो ये कि मैं तो अब तक समझता था कि मैं अपनी दोनों बेटियों का बेस्ट फ्रेंड हूं। बाप, I'm so sorry, really sorry। आप तो दुनिया के सच में बेस्ट पापा हैं। और तुम दोनों दुनिया की बेस्ट बेटियां हो। चलो खाना खाओ। अरे भाई, तुम भी खा लो।